नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माँ पार्वती के आंसू से बने एक पावन जलाशय के बारे में जानकारी देंगे। यह पूर्ण तौर से सत्य है कि समूचे हिमाचल में देवों के देव महादेव शिव शंकर का वास है। इसी कारण हिमालय पर्वत पर विभिन्न स्थानों पर वास करने वाले भगवान शिव के दर्शन करना बेहद मुश्किल है। कैलाश मानसरोवर हो या केदारनाथ या फिर अमरनाथ, इन तीनों दुर्गम स्थानों के अलावा एक ऐसा पावन स्थान श्रीखंड महादेव भी है, जहां पर माँ पार्वती के आंसू से बना जलाशय भी है। इतना ही नहीं, यहां पर भगवान श्री विष्णु जी ने राक्षस भस्मासुर को भस्म किया था। यहां पर भगवान शिव भी शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। कहाँ पर स्थित है श्रीखंड महादेव? श्रीखंड महादेव का पावन स्थान देवभूमि हिमाचल में कुल्लू जिले के आनी उपमंडल के निरमंड खंड में स्थित है। 18,570 फीट की ऊंचाई वाली बर्फीली पहाड़ी पर स्थित है यह स्थान। सबसे खास बात यह है कि यह चोटी श्री अमरनाथ गुफा से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। श्री अमरनाथ गुफा में वास करने वाले भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भक्तों को 14,000 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जबकि श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए 35 किलोमीटर की यानी 18,570 फीट की ऊंचाई चढ़नी पड़ती है। इस चोटी की सीधी चढ़ाई श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती। यहाँ पर मिट्टी व पानी दिखाई देता है लाल। पौराणिक कथा के अनुसार श्रीखंड महादेव की पौराणिक मान्यता है कि भस्मासुर राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह जिस पर भी अपना हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। राक्षसी भाव होने के कारण उसने माता पार्वती से शादी करने की ठान ली। ऐसे में राक्षस भस्मासुर ने शिवजी के ऊपर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करने की योजना बनाई, परंतु भगवान विष्णु ने उनकी मंशा को नष्ट करने के लिए माता पार्वती का रूप धारण कर राक्षस भस्मासुर को अपने साथ नृत्य के लिए राजी किया। नृत्य के दौरान भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया और भस्म हो गया। इसी कारण आज भी यहाँ की मिट्टी व पानी दूर से लाल दिखाई देता है। भगवान शिव यहां पर हुए थे आलोप। श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के दौरान देवदाक गुफा दर्शनीय है। कहते हैं कि जब भस्मासुर भस्मा कंगन के साथ भगवान शिव का पीछा कर रहा था, तब महादेव इस गुफा में कहीं आलोप हो गए। वन देवता मंदिर का दर्शन अहम। थचरू सिंह जौ गांव से लगभग 11 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। यहां स्थित मंदिर वन देवता के दर्शन बेहद अहम है। विकासखंड द्वारा स्थापित थचरू में तीर्थ यात्रियों के लिए एक आराम स्थान भी है। मां पार्वती के आंसू से बना जलाशय नैन सरोवर एक प्राकृतिक पावन जलाशय है। यह जलाशय सर्दियों के दौरान पूरी तरह से जम जाता है। माना जाता है कि यह जलाशय माता पार्वती के आंसू से बना हुआ है। भक्त यहां पर आकर इस पवित्र जलाशय में डुबकी लगाते हैं, साथ ही इस पावन जल को अपने साथ भी घर ले जाते हैं। भीम ने किया था स्वर्ग सीढ़ी का निर्माण। श्रीखंड महादेव पीक और नैन सरोवर झील के बीच विशाल पत्थर स्थित है। लोक कथाओं के अनुसार पांडवों के भाई भीम ने यहाँ पर एक सीढ़ी का निर्माण किया था जो स्वर्ग की ओर जाती थी। श्रीखंड महादेव शिवलिंग की ऊंचाई 72 फीट। श्रीखंड महादेव पर स्थित शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 72 फीट है। श्रीखंड महादेव की यात्रा के मार्ग में 7 मंदिर आते हैं। इनमें माता पार्वती का मंदिर, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर अरसू, ज्योताकली, बकासुर वध, ढकद्वार पवित्र स्थान है। श्रीखंड में भगवान शिव का शिवलिंग है। श्रीखंड महादेव से करीब 50 मीटर पहले माता पार्वती, गणेश व कार्तिक स्वामी की प्रतिमाएं हैं। श्रीखंड महादेव हिमाचल के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से सटा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस चोटी पर भगवान शिव का वास है। दुर्गम यात्रा में यात्रियों के लिए बनाए जाते हैं बेस कैंप।
श्रीखंड महादेव की दुर्गम यात्रा के लिए 4 बेस कैंप बनाए जाते हैं। सिंहगाड़ में श्रद्धालुओं का पंजीकरण और स्वास्थ्य चेकअप होता है। बेस कैंप थाचड़ू भीम डवारी में डॉक्टर पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। बेस कैंप पार्वती बाग में रेस्क्यू दल और पुलिस व होमगार्ड के जवान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मौजूद रहते हैं। यह यात्रा जुलाई से प्रारंभ होती है, जिसे श्रीखंड महादेव ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है। श्रीखंड महादेव के कठिन रास्तों में खच्चर नहीं चल पाता। श्रीखंड का रास्ता रामपुर बुशहर से जाता है, यहाँ से निर्मंड, उसके बाद बागीपुल और आखिर में जाव के बाद पैदल यात्रा शुरू होती है। सो दोस्तों, यह थी श्रीखंड महादेव से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।